हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मूठा बुरट। बेटा हम कर रहे थे जीएसटी का रिवीजन, यहाँ पे हम जीएसटी का क्विक रिवीजन कर रहे थे और हमने तीन चैप्टर्स किए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ये बुकलेट आपके पास नहीं है तो सबसे पहले डाउनलोड कर लो मेरी वेबसाइट www.icaleague.com में। बेटा यहाँ पे ये अवेलेबल है। कहाँ पे आप देखोगे, फ्री डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पे, वहां पे अवेलेबल है। और डाउनलोडिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे पिंग कर दीजिए, यहाँ पे तो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लो। चलो अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फोर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ब्रीफ पढ़ा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का चैप्टर नंबर थ्री में ही अभी पढ़ा था। क्या बात हुई थी हमारी वहां पे भाई, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की रिस्पांसिबिलिटी किस पे शिफ्ट हो जाती है, रिसिपिएंट पे। जनरली नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मोबाइल बेचा, नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज हुआ, उस केस में टैक्स पे करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, रिसिपियंट से सप्लायर लेगा और सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। बट रिवर्स चार्ज में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसिपियंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। ठीक है, अब रिवर्स चार्ज कहाँ कहाँ पढ़ा था हमने, 9.3 में पढ़ा था बेटा, 9.4 में पढ़ा था। अच्छा मुझे बताओ, 9.3 का जो रिवर्स चार्ज है, सारे गुड सर्विसेस पे, नहीं नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेस, ये बात याद जरूर रखना है कि गुड्स पे भी रिवर्स चार्ज है। ठीक है, बात अलग है कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिटेल्स आपको याद नहीं रखने हैं, बट गुड्स पे भी रिवर्स चार्ज क्रिएट होता है। जैसे कि कैशिव नट्स हो गए बेटा, यहाँ पे बीडी रैपर लीव्स हो गई, टोबैको हो गया, यहाँ पे टोबैको लीव्स हो गई, सप्लाई ऑफ लॉटरी सिल्क यार्न, यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, इन सब चीजों पे क्या है बेटा, रिवर्स चार्ज हो जाता है। किस पे, गुड्स में। तो ये आपको क्या याद रख लेना है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, याद डिटेल बस ऐसे याद रखना है कि गुड्स पे रिवर्स चार्ज है, बाकी बाय हार्ट आपको नहीं करना है। अब सर्विस पे जो रिवर्स चार्ज है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेटा, वो पढ़ेंगे। और 9.4 में क्या रिवर्स चार्ज था, 9.4 में ये रिवर्स चार्ज था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज लिए तो टैक्स किसको पे करना है, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज द रिसिपिएंट। ठीक है, अब सर्विसेज का रिवर्स चार्ज वन बाय वन पढ़ते हैं, एक एक चीजें देखते हैं। सबसे पहले जीटीए सर्विस लेते हैं। अब जीटीए सर्विस का आपको याद होगा ये डायग्राम हमने क्लास में पढ़ा था बेटा, इसमें क्या था, एग्जेम्पशन प्लस आरसीएम की एंट्री कंबाइन करके एक चार्ट है बेटा ये। इसमें देखो एग्जाम में कितनी पॉसिबिलिटी आपसे अलग अलग तरीके से ये पूछा जा सकता है। देखो ये अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, आपको केस स्टडी में आ सकती है, केस स्टडी में आ सकती है। ठीक है, ये एक सिचुएशन है बेटा। अब इसमें से किसी भी सिचुएशन में आप आ रहे हो तो आपको देखना है कि भाई आप किस में आ रहे हो, एग्जेम्पशन में आ रहे हो, क्या रिवर्स चार्ज में आ रहे हो कि फॉरवर्ड चार्ज में आ रहे हो। बट 8 सिचुएशन ये चार्ट में कवर होती है जिसमें 8 अलग केस स्टडीज बन सकती है। ठीक है, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है जीटीए सर्विस पे, तो देखेंगे। देखो जीटीए के पास दो ऑप्शन होते हैं, एग्जेम्पशन और आरसीएम दोनों की एंट्री कंबाइंड है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। पहले जीटीए के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो 5% में चले जाए या 12 में। 5% हमेशा क्या होता है, विदाउट आईटीसी मैम, बहुत अच्छे से पता है, विदाउट आईटीसी। और 12% विथ फुल आईटीसी मैम, जीटीए को फुल आईटीसी मिलता है। ठीक है, तो 5% वाला ऑप्शन विदाउट आईटीसी का होता है, 12% वाला ऑप्शन विथ फुल आईटीसी वाला होता है, विथ फुल आईटीसी वाला होता है। पहले 5% वाले ऑप्शन में जाएंगे। देखो 5% वाले ऑप्शन में अगर एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, तो हमेशा आरसीएम में टैक्सेबल होगा। और 12% वाले ऑप्शन में अगर टैक्सेबल है तो क्या टैक्सेबल होगा, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में होगा। अब देखते हैं, समझेंगे। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल आप 5% वाले ऑप्शन में आते हो। देखो अगर एग्जेम्पशन है, अगर जीटीए की सर्विस को किसी केस कारण से यहाँ पे दिया हुआ है, किसी केस में एग्जेम्पशन है, तो फिर तो फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स का चार्ज की बात ही नहीं आती, वो एग्जेम्प्ट होगी। एग्जेम नहीं है तो फिर देखना है फॉरवर्ड में जाएगा कि रिवर्स में, वो किस पर डिपेंड करेगा, 5% है कि 12% है, 5% है कि 12%। ये 12% फुल रेट है बेटा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। नाउ 5% वाले ऑप्शन में अगर जीटीए जाता है, 5% वाले ऑप्शन में अगर जीटीए जाता है, तो देखना है कि रिसिपियंट सप्लायर कौन है, या तो भाई जीटीए ये रिसिपियंट ऑफ सर्विस कौन है, रिसिपियंट रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड है, हाँ हाँ भाई रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर वो सर्विस कैसे टैक्सेबल होगी बेटा, इट विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज एंड रिसिपियंट विल बी लायबल टू पे टैक्स। अगर यहां रिसिपियंट रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिवर्स चार्ज में चार्जेबल होगी। और टैक्स कौन पे करेगा, रिसिपियंट, रिसिपियंट जिसने भी जीटीए की सर्विस अवेल करी है। सेकेंड, रिसिपियंट रजिस्टर्ड तौर पर, वो रिसिपियंट कौन है पता है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, वो हैव टेकन रजिस्ट्रेशन फॉर टैक्स डिडक्शन ओनली। यार उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पड़ा था ना, सेक्शन 24 वहां पे था ना, जिनको टैक्स डिडक्ट करना होता है,
ठीक है, अंडर सेक्शन 51 उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो ये वही है। तो उस केस में क्या होगा, इट विल नॉट बी लाइबल फॉर आरसी। ठीक है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही क्यों लिया, क्योंकि टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है, टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया किसको। अगर रेसिपियंट कौन है बेटा, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है, पर कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, वो टेकन रजिस्ट्रेशन वाई फॉर टैक्स डिडक्शन ओनली, फॉर टैक्स डिडक्शन ओनली, तो उस केस में वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है तो आरसीएम की बात ही नहीं आती, इट इज नॉट लाइबल फॉर आरसीएम ओनली, इट इज नॉट टैक्सेबल ओनली, इट इज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, रिसिपियंट अनरजिस्टर्ड है, रिसिपियंट आपका अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, अच्छा तो क्या नोटिफाइड रेसिपिएंट है, फैक्ट्री सोसाइटी जो सब हमने देखा था, क्या ये नोटिफाइड रेसिपिएंट है। ठीक है, अगर नोटिफाइड रेसिपिएंट है मतलब फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर इनको क्या बोला है, ये है नोटिफाइड पर्सन बेटा। अगर इनमें से कोई है, फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर नोटिफाइड पर्सन है तो फिर क्या होगा भाई, टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल क्या होगा, अंडर रिवर्स चार्ज, टैक्सेबल होगा रिवर्स चार्ज में, रिसिपियंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, और रिसिपियंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर अदर देन नोटिफाइड रिसिपियंट है बेटा, अदर देन नोटिफाइड रिसिपियंट है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदर देन नोटिफाइड रिसिपियंट है तो क्या हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल को दिया जीटीए से, मैंने सर्विस नहीं, मैं नोटिफाइड पर्सन हूँ क्या, नहीं, मैं फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म कोई भी नहीं हूं मैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इट इज एग्जेम्प्ट, देन द सर्विस इज एग्जेम्प्ट अदर देन नोटिफाइड रिसिपियंट। तो 5% वाले ऑप्शन में कौन सी चार पॉसिबिलिटी आपको देखना है कि रिसिपियंट कौन है, रिसिपियंट यहाँ पे, रिसिपियंट यहाँ पे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्सेबल होगा रिवर्स चार्ज में, रिसिपियंट जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है बट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी यहाँ पे है, या गवर्नमेंटल अथॉरिटी हैज टेकन रजिस्ट्रेशन फॉर यहाँ टैक्स डिडक्शन, देन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नॉट लाइबल फॉर आरसीएम बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट। रिसिपियंट इज अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड रिसिपियंट, अच्छा कौन, नोटिफाइड रिसिपियंट है मैम, बट अनरजिस्टर्ड है, बट फैक्ट्री है, फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री तो भी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेटा, नोटिफाइड रिसिपियंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा, और अदर देन नोटिफाइड रिसिपियंट है तो इट इज एग्जेम्प्ट, इट इज एग्जेम्प्ट। ये 5% वाले ऑप्शन की बात हुई। अब 12% ऑप्शन के बारे में देखेंगे भाई, 12% ऑप्शन में क्या है, अगर टैक्सेबल होगा तो फॉरवर्ड चार्ज होगा। अब फिर से वही चीज देखनी, रिसिपियंट रजिस्टर्ड है, हाँ रजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और जीटीए की लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की गवर्नमेंट को। बट अगर रिसिपियंट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी निकला तो ठीक है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी निकला तो वो सेकंड रजिस्ट्रेशन फॉर टैक्स डिडक्शन, देन इट इज एग्जेम्प्ट, देन इट इज एग्जेम्प्ट, फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं आती। 12% वाले ऑप्शन में हो, रिसिपियंट अनरजिस्टर्ड है, नोटिफाइड रिसिपियंट है, टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा 12% है तो कौन क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्सेबल होगा, एंड जीटीए विल बी लायबल टू पे टैक्स, एंड जीटीए विल बी लायबल टू टैक्स पे टैक्स, अदर देन नोटिफाइड रिसिपियंट देन इट विल बी एग्जेम्प्ट, अदर देन नोटिफाइड रिसिपियंट तो क्या होगा बेटा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो 12% वाले ऑप्शन में या क्या होगा, अगर टैक्सेबल होगा तो फॉरवर्ड चार्ज में होगा, अगर टैक्सेबल, इफ टैक्सेबल, टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, 5% वाले ऑप्शन में इफ टैक्सेबल, टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को कभी भी यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ जीटीए की सर्विस दी गई तो वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है, अदर देन नोटिफाइड रिसिपियंट को दे दी तो एग्जेम्प्ट है, रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो देखना पड़ेगा, अगर आप 5% वाले ऑप्शन में तो आरसीएम में जाएगा, अगर आप 12% वाले ऑप्शन में तो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, और नोटिफाइड रिसिपियंट को दे रहे हो तो भी अगर आप 5% वाले ऑप्शन में हो तो आरसीएम में जाएगा टैक्सेबल, और 12% वाले ऑप्शन में हो तो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, एक बार पॉज करके खुद देख लो एक बार, ये चार्ट समझ में आ जाएगा, दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। नेक्स्ट, यहाँ पे जो लीगल सेक्टर की सर्विस है बेटा, मैं एग्जेम्पशन का चैप्टर खोल रही हूँ, एक मिनट, हम एग्जेम्पशन के चैप्टर में इसका चार्ट दिया हुआ है, यहीं पे पढ़ लेते हैं। अगेन दिस इज एग्जेम्पशन प्लस आरसीएम का यहाँ पे कंबाइंड चार्ट, एग्जेम्पशन प्लस आरसीएम का कंबाइंड चार्ट, इतना चार्ट याद रख लिया बहुत होगा। ठीक है, सो लीगल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू फॉलोइंग रिसिपियंट, देखते हैं हम क्या बात होती है, टैक्सेबिलिटी है क्या है, एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है क्या है, देखते हैं। लीगल सर्विसेज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है किसको, किसको दे रहा है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है,
कौन दे रहा है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है, किसको दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, देन इट इज एग्जेम्प्ट। अच्छा, या अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, जैसे कि मुझे इंडिविजुअल को दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है? तो अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट को दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है। अब कौन बची? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कौन है? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटीज अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। यहाँ कब क्या है? यहाँ पे बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर उतना है, यहाँ पे उसके थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, रजिस्ट्रेशन की जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट होगी बेटा, यहाँ 10-20 लाख वगैरह उसका टर्नओवर आप समझ लो उतना है, जो भी लिमिट होगी 10-20-40 जो भी लिमिट होगी, कभी कोई लिमिट चेंज होगी तो भी। तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर देखना है आपको, अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट तक है, थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, 2 लाख का ही टर्नओवर है, तो फिर वो सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तो फिर वो सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 5 करोड़ का है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगी और अंडर आरसीएम। टैक्स कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सप्लायर ऑफ सर्विस, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर अबव स्पेसिफाइड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है मतलब, तो फिर क्या होगा? इट विल बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम, ठीक है? अबव थ्रेशोल्ड लिमिट है तो फिर इट इज टैक्सेबल एंड इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम, टैक्सेबल अंडर आरसीएम। गवर्नमेंट को दिया तो एग्जेम्प्ट, अदर देन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी का थ्रेशोल्ड लिमिट तक टर्नओवर है तो एग्जेम्प्ट, अबव थ्रेशोल्ड लिमिट जा रहा है वो तो फिर उस केस में टैक्सेबल एंड टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात हुई। नेक्स्ट इज लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। किसकी बात कर रही हूं मैं? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन अ सीनियर एडवोकेट। अब इतना पार्ट तो सेम है बेटा, ठीक है? क्या बात थी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, इनको सर्विसेज दी तो देन इट इज एग्जेम्प्ट, अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी तो भी एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी को दी तो फिर देखना है कि बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू स्पेसिफाइड लिमिट है। स्पेसिफाइड लिमिट मतलब क्या हुआ? देखो, अप टू सच स्पेसिफाइड अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्प्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, ठीक है? चार्ट में इतनी जगह इसलिए लिखा नहीं, एग्जाम में आपको ऐसी वर्ड लिखने की भाई कितनी लिमिट है, स्पेसिफाइड लिमिट अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट्स मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्प्शन अंडर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है? सो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर अप टू स्पेसिफाइड लिमिट है, ठीक है? तो एग्जेम्प्ट है। अबव स्पेसिफाइड लिमिट है तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल अंडर आरसीएम है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल अंडर आरसीएम है। अब इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट ने किसको सर्विस दी बेटा? दूसरे एडवोकेट को दी या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दी, ठीक है? एक एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट को दी, एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट ने दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म या एडवोकेट को दी तो उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया, तो उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया। एंड लास्ट चार्ट किसका बेटा? सीनियर एडवोकेट के लिए, ठीक है? मैं वापस बताऊं, ये एग्जेम्प्शन प्लस आरसीएम का कंबाइन चार्ट है। ये एग्जेम्प्शन की एंट्रीज है, ये आरसीएम की एंट्री है, सब हमने कंबाइन कर दिया। सो सीनियर एडवोकेट यहाँ पे सर्विस दे रहा है, आप किसको सर्विस दे रहा है वो देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट को दे रहा है, ओहो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, देन इट इज एग्जेम्प्ट। अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, देन इट इज एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो फिर देखना पड़ेगा एग्रीगेट टर्नओवर बिजनेस एंटिटी का अप टू स्पेसिफाइड लिमिट है, देन इट इज एग्जेम्प्ट। अबव स्पेसिफाइड लिमिट है, देन इट इज टैक्सेबल एंड टैक्सेबल अंडर आरसीएम, देन इट इज टैक्सेबल एंड टैक्सेबल अंडर आरसीएम, ठीक है? अब इसके बाद अगर यहाँ पे बेटा, अगर यहाँ पे सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है किसी और एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, देन इट इज टैक्सेबल, टैक्सेबल है। बट फॉर्म यहाँ पे क्या कर सकता है बेटा? एज अ बिजनेस एंटिटी जो भी है अप टू स्पेसिफाइड लिमिट जो है एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है, अप टू स्पेसिफाइड लिमिट क्या कर सकता है? एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है बिजनेस एंटिटी के जैसे, एज अ बिजनेस एंटिटी जैसे वो यहाँ पे जो बेनिफिट ले सकता है वो ले सकता है, ठीक है? तो ये हुई बात, ठीक है? तो सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फर्स्ट चार्ट तो एकदम सिंपल है, सेकेंड चार्ट में भी इतना पोर्शन फर्स्ट चार्ट जैसे ही है, खाली एक ही डिफरेंस है कि अगर एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होती है। कौन? यहाँ पे इंडिविजुअल एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट। और सीनियर एडवोकेट में भी ये वाला पार्ट सेम है बेटा। एंड यहाँ पे क्या बात है कि अगर यहाँ पे सीनियर एडवोकेट दूसरे किसी एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को देता है तो वो जनरली टैक्सेबल है, जनरली टैक्सेबल है। हाउएवर फॉर्म क्या कर सकती है? इट कैन क्लेम एग्जेम्प्शन एज अ बिजनेस एंटिटी अप टू द स्पेसिफाइड टर्नओवर लिमिट, ठीक है? वैसा वो यहाँ पे एज अ बिजनेस एंटिटी जो बेनिफिट ले सकती है वो ले सकती है, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट में यहाँ स्पेसिफिक एग्जेम्प्शन दिया हुआ है, ऐसा सीनियर एडवोकेट में एग्जेम्प्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो ये बात हुई बेटा। ये किसका है? लीगल सेक्टर पढ़ा हमने, लीगल सेक्टर पढ़ा, इंपॉर्टेंट है और इजी है, बहुत इजी है। एक बार पॉज करो, ये चार्ट पढ़ लो, ध्यान में आ जाएगा सब कुछ।
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, कौन सी सर्विस की बात हो रही है भाई? स्पॉन्सरशिप सर्विस की बात हो रही है। कौन देगा? सप्लायर कौन है? एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, यहाँ पे बॉडी कोऑपरेट हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, सप्लायर गुड भी एनी पर्सन, एनी 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 पर्सन लिख दिया। पर रिसिपियंट कौन होगा? रिसिपियंट ही अगर बॉडी कोऑपरेट या पार्टनरशिप फॉर्म जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, अगर रिसिपियंट ये होगा तभी आरसीएम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो बेटा फॉरवर्ड चार्ज में चले जाएगा। अगर आरसीएम नहीं लगेगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज में चले जाएगा। सो अगर सप्लायर कोई भी पर्सन है और रिसिपियंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म है तो यहाँ पे आरसीएम में लगेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर सप्लायर इंडिविजुअल है और रिसिपियंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या आरसीएम में आ जाएगी स्पॉन्सरशिप सर्विस? यस मैम। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल, सप्लायर इंडिविजुअल है, रिसिपियंट भी इंडिविजुअल है, तो क्या आरसीएम में आ जाएगी? नहीं मैम। क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज में चले जाएगी, फॉरवर्ड चार्ज में चले जाएगा। अच्छा, अब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपियंट भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो क्या आरसीएम में चले जाएगी? हाँ बिल्कुल चले जाएगी, क्योंकि सप्लायर कुड बी एनी पर्सन, रिसिपियंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट। अब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपियंट बॉडी कॉर्पोरेट है विच इज नॉट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो क्या होगा? उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में चले जाएगी, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में जाएगी। इसलिए ये मैं जो बोल रही थी, तीन चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है, सप्लायर कौन है, रिसिपियंट कौन है, और रिसिपियंट के साथ और क्या कंडीशन है, जैसे कि मैक्सिमम एंट्रीज में दी हुआ है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, लोकेटेड इन टैक्स। देखो गवर्नमेंट का भी फंडा सीधा है, जो टैक्सेबल टेरिटरी में उसको तो ठीक है रिसिपियंट बना लिया, उससे टैक्स ले लेना आसान होगा। अब रिसिपियंट बाहर है अगर, तो गवर्नमेंट को टैक्स लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उस केस में गवर्नमेंट ने बोला नहीं रहने दो, रहने दो, कोई रिवर्स चार्ज वार्ज नहीं, तुम चुपचाप पे करो, सप्लायर को बोला तुम पे करो चुपचाप, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। सप्लायर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ये चारों में से कोई भी हो सकता है। इन्होंने सर्विसेज सप्लाई की किसको? बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, बिजनेस एंटिटी को सप्लाई करी जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। उस केस में क्या होगा? आरसीएम लगेगा? हाँ जी लगेगा, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी ऑब्वियसली यार, गवर्नमेंट थोड़ी ना टैक्स पे करेगी। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया हमारी सभी सर्विसेज पे टैक्स पे करेगी बिजनेस एंटिटी अगर वो हमसे सर्विसेज ले रही है तो। बट रुको, एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहां से हटा दिया, बट नीचे एक फाइव वे वाली एंट्री में कवर किया, तो हम वो वहां पे देखेंगे। एंड देन सेकेंड, द सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, मतलब ये जो नीचे की तीन सर्विसेज है इसमें अगर टैक्सेबल होगी तो क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट ही टैक्स पे करेगी, रिवर्स चार्ज में नहीं है। एक्सेप्शन है मतलब रिवर्स चार्ज में नहीं है, अगर टैक्सेबल है तो फॉरवर्ड चार्ज में। इसमें बहुत सारे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन हमने पढ़े थे। सो सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, मतलब गवर्नमेंट के बोल रही हूँ मैं, इसमें नहीं बोल रही हूँ, गवर्नमेंट के इस केस में बहुत सारे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी प्रोवाइडेड टू द पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। सेकेंड, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसेंस ऑफ पोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। अगर ये सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर भी रही है तो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। स्पीड पोस्ट का सर्विस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का हो गया, एयरक्राफ्ट वेसल्स का हो गया, तो ये सारी सर्विसेज बेटा किस में आएगी? ये सारी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में आएगी, ये सारी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में आएगी इफ टैक्सेबल एट ऑल। नेक्स्ट देखो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है उसको यहाँ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रही है। मैं फॉर एग्जाम्पल जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, मुझे गवर्नमेंट ने कोई जगह रेंट करी, तो उस केस में टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? मुझे, रिवर्स चार्ज में, मुझे रिवर्स चार्ज में। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, नहीं नई एंट्री यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है एफएसआई से रिलेटेड, डेवलपमेंट राइट से रिलेटेड, कि अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, एफएसआई का डेवलपमेंट राइट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, प्रमोटर को दे रहा है, रिसिपियंट कौन है? प्रमोटर, तो उस केस में क्या होगा? वो रिवर्स चार्ज में आ जाएगा, उस केस में रिवर्स चार्ज में आ जाएगा। यहाँ रिवर्स चार्ज में दिया, बट इसके साथ एक पैरेलल यहाँ पे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है जिसमें बोला है कि भाई वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी प्रोवाइडेड कि जो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स है, जो बिल्डर ने वो एफएसआई लेके जो फ्लैट्स बनाए वो सारे फ्लैट्स बिफोर यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर भेज दिए तो उस केस में ये एग्जेम्पशन यहाँ पे, ये इसको, इस सर्विस को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एक बार हम इसको डिटेल में देखेंगे डायग्राम बना के। अभी अभी पहले आप समझो क्या है ये एंट्री, रिवर्स चार्ज की एंट्री समझो, एग्जेम्पशन से लिंक करते हैं।
सो यहाँ पे अगर FSI ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और FSI फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ पे सप्लायर एनी पर्सन है, रिसिपिएंट अगर प्रमोटर है, तो उस केस में टैक्स किसको पे करना बेटा, प्रमोटर टैक्स पे करेगा. एंड लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 इयर्स और मोर बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड एज प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज और एनी अदर मैन नेम. तो यहाँ पे सप्लायर कौन है, सप्लायर कुड बी एनी पर्सन एंड रिसिपिएंट कुड बी प्रमोटर. रिसिपिएंट कौन रहेगा, प्रमोटर. तो टैक्स किसको पे करना है बेटा इस केस में, यहाँ पे रिवर्स चार्ज में प्रमोटर पे करेगा. लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड मतलब 30 साल या उससे ज्यादा के लिए अगर गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे, गवर्नमेंट में सॉरी, यहाँ पे अगर किसी ने लीज की है लैंड की किसी भी पर्सन ने, तो उस केस में वो किस में आ जाएगी, रिवर्स चार्ज में आ जाएगी, रिवर्स चार्ज में आ जाएगी. अब देखो इसमें एक चीज समझो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है. ट्रांजैक्शन ऐसा हो रहा है कि कोई भी एनी पर्सन उसने या तो FSI या यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, या तो FSI या यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड या डेवलपमेंट राइट्स किसको दे दिए, प्रमोटर को दे दिए, प्रमोटर को दे दिए. तो रिवर्स चार्ज की एंट्री पहले क्या बोलती है ये समझो. रिवर्स चार्ज की एंट्री ये बोलती है बेटा कि ये जो ट्रांजैक्शन है इट वुड बी लायबल अंडर RCM एंड प्रमोटर वुड बी लायबल टू पे टैक्स. एंड हु वुड बी लायबल टू पे टैक्स, प्रमोटर वुड बी लायबल टू पे टैक्स, प्रमोटर वुड बी लायबल टू पे टैक्स. बट अब आगे की बात सुनो, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन यहाँ पे क्या बोलते हैं हम एक बार वो पढ़ेंगे. एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन यहाँ पे बोलता है, देखो ये एक बार हम पैरा रीड आउट करेंगे. सप्लाई ऑफ TDR FSI लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू डेवलपर हैव बीन एग्जेम्प्टेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स आर सोल्ड बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड टैक्स इज पेड देयर ऑन. इट मीन्स वॉट कि यहां पे ये जो FSI ली, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड ली या डेवलपमेंट राजी, इससे बिल्डर ने कोई फ्लैट बनाए होंगे और ये सारे फ्लैट्स बेटा बिल्डर ने बेच दिए बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट. दीज आर sold before completion certificate. If these all flats are sold before completion certificate, in that case, this particular service FSI की long term lease की या development rights की exempt हो जाएगी और किसी को tax pay करने की जरूरत नहीं है. RCM छोड़ो, किसी को भी tax pay करने की जरूरत नहीं है अगर ये सारे flats बिक जाते हैं तो. अगर ये सारे फ्लैट्स बिक जाते हैं तो उस केस में कब, बिफोर CC, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर ये सारे फ्लैट सोल्ड हो जाते हैं तो उस केस में जरूरत नहीं है किसी को भी टैक्स पे करने की. अब फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ फ्लैट्स नहीं बिके, आधे फ्लैट्स आपके नहीं बिके, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, उस केस में बेटा आपका ये जो एग्जेम्पशन दिया गया है विड्रॉ हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके आधे फ्लैट्स नहीं बिके, यहाँ पे हम यहाँ मार्क करते हैं, ये जो मैंने पर्पल ब्लू में हाईलाइट किया, ये सारे फ्लैट्स आपके नहीं बिके, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, उस केस में आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा और उस केस में टैक्स कौन पे करेगा, वो फिर RCM में टैक्सेबल होगा और प्रमोटर को टैक्स पे करना पड़ेगा. प्रोपोर्शनेट विड्रॉल होगा, पूरा विड्रॉल नहीं होगा. एक बार रीड आउट करेंगे हम वो वहां पे जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के आगे लिखा हुआ है. द एग्जेम्पशन ऑफ TDR FSI लॉन्ग टर्म लीज शैल बी विड्रॉन इन केस द फ्लैट सोल्ड आफ्टर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बट सच विड्रॉल शैल बी लिमिटेड टू 1% ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसेज एंड 5% ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ अदर देन अफोर्डेबल हाउसेज. सो यहाँ पे एग्जेम्पशन विड्रॉ होगा बट प्रोपोर्शनेट विड्रॉ होगा, पूरा विड्रॉ नहीं होगा. जितने अनसोल्ड फ्लैट्स हैं उसके केस में वो विड्रॉ होगा 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल, 5% इन केस ऑफ अदर देन अफोर्डेबल. दिस विल अचीव अ फेयर डिग्री ऑफ टैक्स पैरिटी. ठीक है, द टैक्स लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन TDR FSI लॉन्ग टर्म लीज हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम लैंड ओनर टू बिल्डर अंडर द रिवर्स चार्ज एज डिस्कस्ड इन दिस पॉइंट. ठीक है, तो अब अगर आपके यहाँ पे सेल नहीं होते हैं यहाँ पे फ्लैट्स, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स पे करेंगे रिवर्स चार्ज के अंडर प्रमोटर या बिल्डर. जो प्रमोटर रहेगा वो यहाँ पे टैक्स पे करेगा, आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, FSI की या लॉन्ग टर्म लीज की, या ये और भी चैप्टर्स में दिया है बट हम यहीं पे कवर कर रहे हैं, ये FSI की या लॉन्ग टर्म लीज की, डेवलपमेंट राइट्स की, ये सारे केसेस में टैक्सेबिलिटी शिफ्ट हो गई है RCM के अंडर, प्रमोटर को टैक्स पे करना है. बट विजा विजा एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया जो बोलता है कि अगर सारे फ्लैट्स बेच दोगे बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो वो आपकी एग्जेम्प्ट है. बट अगर कुछ फ्लैट्स आपके नहीं बिक पाए, फॉर एग्जाम्पल 5 फ्लैट्स नहीं बिक पाए, तो उस केस में प्रपोर्शनेटली आपका सिर्फ 5 फ्लैट्स का यहाँ पे एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा. कैसे, 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, 5% इन केस ऑफ अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग, और टैक्स कौन पे करेगा, RCM में प्रमोटर. आई होप दिस इज क्लियर.
नेक्स्ट इज बेटा सर्विस सप्लाई बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट. नाउ हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विस? डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट. हु इज द रेसिपिएंट? कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी. सो हु विल बी लायबल टू पे टैक्स? कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी पे करेगा टैक्स बेटा अंडर आरसीएम. अब ये तो बात हुई एंट्री, तो ये बड़ी सिंपल सी है. अब क्या हुआ यहाँ पे, लोगों को कंफ्यूजन हुआ जिसके चलते सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इशू किया. ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन हम चार्ट फॉर्म में समझेंगे. जो रेम्युनरेशन पे की जा रही बेटा यहाँ डायरेक्टर्स को, अब दिक्कत क्या हुई कि भाई डायरेक्टर्स कभी एम्प्लॉय हो सकते हैं कंपनी के, कभी एम्प्लॉय नहीं हो सकते, उनको प्रोफेशनल फीस दी जा सकती है. तो अलग अलग केस में टैक्सेबिलिटी की क्या बात होगी? तो सीबीआईसी ने बहुत ही बढ़िया क्लैरिफिकेशन दिया. उन्होंने बोला कि जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ है कंपनीज एक्ट में कि वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते, या कोई भी मेटर डायरेक्टर जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, जो एम्प्लॉय नहीं है क्या वो शेड्यूल 3 में फॉल होगा? शेड्यूल 3 में क्या पॉइंट था? सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट. नो, नहीं होगा. सो इट इज आउटसाइड शेड्यूल 3. व्हेन इट इज आउटसाइड शेड्यूल 3 इज इट टैक्सेबल? यस. इफ टैक्सेबल कहां होगा बेटा? अंडर आरसीएम. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो भी पैसा दिया दैट इज आउटसाइड शेड्यूल 3 एंड दस इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज इन द हैंड्स ऑफ कंपनी. अब जो पैसा बेटा होल टाइम डायरेक्टर्स को दे रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को दे रहे हो, ये लोग क्या है? ड्वेल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, या कोई भी डायरेक्टर जो यहाँ पे बेटा क्या है, मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय, ड्वेल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थोड़ा 1 लाख रुपए महीना सैलरी का भी दिया, कुछ पोर्शन प्रोफेशनल फीस की भी दी, तो क्या देखना है अपने को ये देखना है कि भाई टीडीएस जो डिडक्ट किया इनकम टैक्स में, वो 192 में एज ए एम्प्लॉय सर्विस जितना किया वो क्या हो जाएगा? दैट ट्रांजैक्शन इज इन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विस. तो वो शेड्यूल 3 में आ गया. शेड्यूल 3 में आ गया तो बेटा उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. दैट इज नॉट सप्लाई ओनली, दैट इज नॉट लेवियबल टू टैक्स. और जो पोर्शन आपने क्या किया बेटा, उसको एज अ प्रोफेशनल फीस, यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज उसे पैसा दिया, आपने बुक्स में भी उसको अकाउंट पर वैसे ही किया, और आपने टीडीएस भी डिडक्ट कैसा किया यहाँ पे 194J में, तो दैट इज आउटसाइड शेड्यूल 3. प्रोफेशनल फीस हो गए, शेड्यूल 3 के बाहर है, मतलब टैक्सेबल है, मतलब रिवर्स चार्ज में. सो ड्वेल कैपेसिटी में जब भी है तो आपको क्या देखना है? आपको दो चीजें देखना है. क्या बुक्स में आपने उसे एक चीज अकाउंट फॉर है सैलरी किया, और यहाँ पे उस पर 192 में टीडीएस डिडक्ट किया, तो वो पोर्शन क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट सर्विस के लिए हो जाएगा, उस पर टीडीएस नहीं लगेगा. सेकेंड, जो पोर्शन आपने बुक्स में एज अ प्रोफेशनल फीस बुक किया और उस पर टीडीएस 194J में डिडक्ट किया, दैट इज बेटा आउटसाइड शेड्यूल 3, देन इट इज टैक्सेबल. सो टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज. ठीक है, सिंपल है. एंट्री में तो वैसे भी कुछ भी नहीं था, ये क्लैरिफिकेशन और ऐड किया गवर्नमेंट ने. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये हुआ. नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है किसको भाई? इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारे एजेंट्स लगा के रखे हुए, वो एजेंट्स को कमीशन देते हैं, वो एजेंट्स किसको सर्विस दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है. तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? आरसीएम के बिहाफ में. यहाँ पे आरसीएम में टैक्स पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी. क्यों ये बना के रखा है यार, इतना मुश्किल है? इंश्योरेंस कंपनी तो चलो एक होगी, उसके हजारों एजेंट्स होंगे, इतने सारे एजेंट्स को जाना पकड़ना बहुत मुश्किल है. तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट ने बोला कि इट इज इजी टू लोकेट इंश्योरेंस कंपनी. तो इसीलिए उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को बोला है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए. देन सर्विसेज बाय रिकवरी एजेंट यहाँ पे अगर रिकवरी एजेंट है तो सर्विसेज रिकवरी एजेंट किसने अपॉइंट किया? बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में. अब वो लोग क्यों अपॉइंट करते हैं रिकवरी एजेंट्स को? ऑब्वियसली किसी ने लोन लिया है, पे नहीं कर रहा है, उनको जाके रिकवरी करने का, उनकी गाड़ियां उठा के लेके आना है एंड ऑल दैट. तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला? सेम सिमिलर फंडा इंश्योरेंस कंपनी टाइप. इस केस में बैंकिंग कंपनी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसने अपॉइंट किया रिकवरी एजेंट, जो उसकी सर्विसेज ले रहा है, भले से एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर रिकवरी एजेंट है, पर टैक्स कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी इस केस में टैक्स पे करेगी. नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे एंट्री नंबर 9 है बेटा, और एक एंट्री नंबर 9A भी नहीं आई है, ठीक है. तो यहाँ पे जो ऑथर का रेफरेंस था बेटा वो हटा देंगे यहाँ से, ऑथर लिटरेरी और यहाँ पे जो भी पब्लिशर, इसका जो रेफरेंस था बेटा ये यहाँ से हट गया है. अब इसमें प्रोवाइडर ऑफ सर्विस कौन है बेटा? म्यूजिक कंपोजर. एंट्री नंबर 9 की अभी पहले बात करेंगे. म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक, ये क्या कर रहे हैं? ओरिजिनल बेटा, इनका ओरिजिनल काम है ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क,
जो है वो दे रहे हैं, वो किसको दे रहे हैं, सप्लायर ऑफ सर्विस, सर्विस किसको दे रहे हैं, यहाँ ये सर्विस दे रहे हैं म्यूजिक कंपनी फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर और द लाइक लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे करेगा, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर और द लाइक कंपनी. काम कौन सा हो रहा है बेटा, काम हो रहा है ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ कॉपीराइट टू ओरिजिनल ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क हो रहा है यहाँ पे. और यहाँ पे तो ये किसको दे रहे हैं, वो कौन दे रहा है, सबसे पहले तो भाई म्यूजिक कंपोज जिसने किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे म्यूजिक कंपोज मैंने किया, मैं किसको दे रही हूँ यहाँ पे, किसी कंपनी को दे रही हूँ, टी सीरीज को दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस का, यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, म्यूजिक कंपोजर जिसने म्यूजिक कंपोज किया, फोटोग्राफर जिसने फोटो खींची, या कोई आर्टिस्ट है वो. और वो सर्विस किसको दे रहा है बेटा, सर्विस दे रहा है वो म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, जो कि लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है. तो आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर और द लाइक लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी. ठीक है, अब 9 ए जो है बेटा वो स्पेसिफिकली ऑथर से रिलेटेड है, ऑथर से रिलेटेड है. सर्विस supply of service by author by way of transfer or permitting use or enjoyment of copyright covered under section 13 relating to what literary work है, author है जो, author ने कोई literary original literary work बनाया और वो किसको दिया, उसने publisher को दिया, तो tax कौन pay करेगा, publisher pay कर सकता है RCM में. अब author के case में बेटा, सिर्फ author के case में, बाकी cases में नहीं, सिर्फ author के case में दो option है, एक तो टैक्स के पे किया जा सकता है आरसीएम में, आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा, पब्लिशर, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस. दूसरा ऑप्शन है कि टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में पे किया सकता है, और टैक्स कौन पे करेगा, ऑथर पे करेगा, ऑथर पे करेगा सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन. तो ऑथर के केस में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आरसीएम भी है, रिवर्स चार्ज भी है और फॉरवर्ड चार्ज भी है. अब क्या कंडीशन फुलफिल करनी है ऑथर को, अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है तो ऑथर कैन चूज टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज इफ ही टेक्स अ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट एंड फाइल्स अ डिक्लेरेशन दैट ही एक्सरसाइजेस ऑप्शन टू पे जीएसटी ऑन सेट सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड ही शैल नॉट विदड्रॉ द सेट ऑप्शन फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन. तो जब भी वो ऑप्शन लेगा बेटा उस साल उसे वो एक साल वो ऑप्शन नहीं विदड्रॉ कर सकता है. ही शैल मेक अ डिक्लेरेशन ऑन इनवॉइस इश्यूड बाय हिम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द पब्लिशर. प्लस डिक्लेरेशन उसको जीएसटी को तो देना है, प्लस उसको इनवॉइस में भी डिक्लेरेशन देना है, इनवॉइस में भी डिक्लेरेशन देना है कि भाई मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ. ऑब्वियसली उसे पब्लिशर को बताना तो पड़ेगा कि मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ. तो यहाँ पे ऑथर के केस में बेटा एंट्री अमेंड हुई है, 9A एंट्री आई जिसमें ऑप्शन वन में क्या बोलता है, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा, पब्लिशर. और ऑप्शन टू क्या है, फॉरवर्ड चार्ज में पे कर सकते हैं, फॉरवर्ड चार्ज में भाई कौन पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज में ऑथर ही पे करेगा. ऑथर बेटा यहाँ पे कैसे, यहाँ पे उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लेगा वो जीएसटी एक्ट में, ऑब्वियसली डिक्लेरेशन बताएगा कि भाई मैं ये ऑप्शन ले रहा हूं, और उसके बाद में वो ये ऑप्शन जो है विदड्रॉ नहीं करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर. एंड इनवॉइस में भी वो क्या करेगा बेटा, यहाँ पे इनवॉइस में भी डिक्लेरेशन देगा, इनवॉइस में भी डिक्लेरेशन देगा. तो ये एंट्री नंबर 9A थी. देन सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, आरबीआई को यहाँ पे दे रही है अगर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, तो उस केस में बेटा यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी बाय आरबीआई आपकी सप्लायर ऑफ सर्विस है. रिसिपिएंट कौन है, आरबीआई, रिसिपिएंट कौन है, आरबीआई. तो यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा, आरबीआई पे करेगी, रिवर्स चार्ज पे, रिवर्स चार्ज पे आरबीआई पे करेगी. ठीक है, सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे, बैंक ने अपॉइंट किए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स वगैरह अपॉइंट किए, वो जाके उनके अकाउंट्स वगैरह खुलाते हैं ऑल दैट. तो उस केस में यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है अगर आपके डीएसए, तो उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को पे करना है. बट अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म में कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, तो वो अगर सर्विसेज दे रहा है बैंकिंग कंपनी को, किसी एनबीएफसी को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उस केस में टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, उस केस में टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को आरसीएम के अंडर. लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको उसका कंसेप्ट भी बताया, बिल्कुल याद रखना है आपको एग्जाम के हिसाब से. देन कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है वो बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है, तो टैक्स किसको पे करना है, बैंकिंग कंपनी को. बहुत सिंपल है ये. अब ये देखो, ये थोड़ा सा समझना, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस दे रहा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, यहां पे एक बार आप समझिए इसको. ये किसकी बात कर रहा है, क्या ये बैंकिंग कंपनी की बात कर रहा है इस एंट्री में? नहीं, बिल्कुल बात नहीं हो रही. यहां बात हो रही कोई एजेंट है बिजनेस करस्पॉन्डेंट का, कोई एजेंट है बिजनेस करस्पॉन्डेंट का, वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है, तो वो होगी रिवर्स चार्ज, वो होगी रिवर्स चार्ज. जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी के साथ है वो फॉरवर्ड चार्ज में होगी.
वर्ड में कंफ्यूज मत होना, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। बिजनेस फैसिलिटेटर को किस में रखा गया है? बिजनेस फैसिलिटेटर वाला बेटा रिवर्स चार्ज में, जो इसके पहले वाली एंट्री थी। और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट किस में रखा है? बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और बैंकिंग कंपनी के अरेंजमेंट में, वो फॉरवर्ड चार्ज में ही होगी। बट जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट छोटे छोटे बहुत सारे एजेंट्स अपॉइंट करते हैं, तो वो किस में होगा बेटा? वो रिवर्स चार्ज में होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विस डायग्राम से देखेंगे डायरेक्ट। इस डायग्राम में भी मैंने दो पॉइंट्स ऐड किए जो आपके पास डायग्राम है, उसके अलावा यहाँ पे दो फॉर बेटर क्लैरिटी। नहीं ऐड करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट और क्लैरिटी आ जाए आपको, उसके लिए ऐड किए। सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा है, तो देखो यहाँ पे सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। दैट मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट विल ऑलवेज बी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, यस। सो डायग्राम का फर्स्ट पार्ट तो, सेकेंड पार्ट तो हमारा हो गया। अगर सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट दे रहे हैं, तो देन इट विल ऑलवेज बी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहा है। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विस दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज में, तो रिवर्स चार्ज में। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी में अगर रिसिपियंट है, तो रिवर्स चार्ज है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, क्या कि अगर कंपोजिट डीलर को दे रहा है तो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा मतलब कि क्या फॉरवर्ड चार्ज में आएगा? हाँ जी आएगा, हाँ जी आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, जिसने रजिस्ट्रेशन लिया ही इसीलिए ताकि टीडीएस डिडक्ट कर ले, जीटीए जैसा सिमिलर, तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा मतलब कि क्या फॉरवर्ड चार्ज में आएगा? जी हाँ। अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, या पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को दिया है तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। तो रिवर्स चार्ज में एक ही केस में आएगा, किसमें? जीएसटी में, जो रजिस्टर्ड पर्सन है यहाँ पे, अदर देन कंपोजिशन डीलर, अदर देन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उस केस में किसमें आएगा बेटा? उस केस में ही सिर्फ रिवर्स चार्ज में आएगा, बाकी सब केसेस में फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। नई सर्विस है, इस पे मुझे लगता है कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है, बट डेफिनेटली इट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन दिस चार्ट ओनली। ये चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है। देखो ये सारी चीजें ऐसे ही याद नहीं रहती, एग्जाम में जाने के पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में जाने के पहले सुबह देख के ही जानी पड़ती है, जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन हुए, आरसीएम के चार्ट्स हो गए, एग्जेम्पशन के चार्ट्स हो गए। ये सब चीजें बिल्कुल, ये चीजें कंसेप्चुअल जैसे ज्यादा मेमोरी बेस्ड है, तो ये सब चीजें आपको मार्क करके रखनी की भी जिनमें कंफ्यूजन होता है वो एग्जाम के पहले अपने को देख के जाना है। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री नंबर 15 बेटा, एंट्री नंबर 15। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, व्हाट इज द सर्विस? या बेटा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस है मैम, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस है जो कि डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम सर्विस रिसिपिएंट प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब मैं यहाँ से पुणे जा रही हूँ, मैंने यहाँ एक मोटर व्हीकल रेंट किया जिसका टोटल चार्जेस है यहाँ पे से 3500 रुपीज, विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑल्सो, विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑल्सो, उसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। तो सर्विस क्या है बेटा? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कौन प्रोवाइड कर रहा है मैम? सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है बेटा? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपियंट कौन है मैम? एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पे सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपियंट बॉडी कॉर्पोरेट। अब यहाँ पे जो सप्लायर है बेटा डज नॉट इशू इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। तो उसने क्या करनी नहीं चाहिए? उसने 6% प्लस 6% 12% यहाँ पे इनवॉइस चार्ज नहीं करनी चाहिए बेटा। यहाँ पे दो रेट होते हैं, एक 5% का, एक 12% का रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का। तो यहाँ 12% वाला जो है ऑप्शन, उसको आरसीएम से आउट कर दिया। कैसे? सप्लायर डज नॉट इशू इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 6% लिख के। तो 12% वाला ऑप्शन बेटा आरसीएम में कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, कहां जाएगा? फॉरवर्ड चार्जिंग। 5% वाला, हाँ 5% वाला आएगा प्रोवाइडेड सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे 5% वाले ऑप्शन वाले लोगों को आरसीएम में डिस्चार्ज करना रहेगा। यहाँ पे देखते हैं कैसे समझो इसको, एक इस पे क्लैरिफिकेशन भी आया है, डायग्राम से समझते हैं। कौन सी सर्विस की बात कर रहे हैं भाई? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, वेयर जीएसटी इज पेएबल एट द रेट ऑफ 12%, इन दैट केस बेटा इट इज ओनली अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कौन डिस्चार्ज करेगा? पर्सन लाइबल टू बी डिस्चार्ज इज बेटा सप्लायर, सप्लायर रहेगा। वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, कुछ भी हो, नहीं पता, 12% वाला ऑप्शन सीधे फॉरवर्ड चार्ज, क्लियर। सेकेंड, जब 5% वाले ऑप्शन में सप्लायर गया, जब 5% वाले ऑप्शन में लिया हमने, तो क्या बात हुई? सप्लायर के अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है
और रिसिपियंट बॉडी कॉर्पोरेटर रिवर्स जजमेंट टैक्स पे करेंगे और पर्सन लाइबल टू पे इज बेटा रिसिपियंट, पर्सन लाइबल टू पे इज रिसिपियंट हियर। आई होप इट इज क्लियर। अब सप्लायर तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट था मैम, बट रिसिपियंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल ने इंडिविजुअल को सर्विस दी, तो भाई रिसिपियंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं तो हमें नहीं पता फॉरवर्ड चार्ज में जाओ, रिवर्स चार्ज में तो कोई जगह नहीं है, रिवर्स चार्ज में सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट के लिए जगह है, ठीक है भाई, वो भी रिसिपियंट। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट और रिसिपियंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बात ही खत्म हो गई, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है रिसिपियंट देखने की जरूरत ही नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। तो रिवर्स चार्ज में बेटा एक ही केस जाता है, जब 5% वाला ऑप्शन है सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है रिसिपियंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो ही रिवर्स चार्ज में जाएगा, और रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे करेगा भाई, रिसिपियंट। ठीक है, कौन सी सर्विस की बात की, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ सप्लायर एंड डज नॉट इश्यू इनवॉइस एट द रेट ऑफ सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% एंड रिसिपियंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, देन द सर्विस इज चार्जेबल अंडर रिवर्स चार्ज, रिसिपियंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी ऑल्सो। ठीक है, ये एंट्री नंबर 15 थी बेटा। नाउ एंट्री नंबर 16 किसके लिए, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज के लिए, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज सेबी की लेंडिंग स्कीम के अंडर लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी कौन करेगा, लैंड भाई लेंडर ने लेंड की, किसको लेंड की, बोरोवर को। इसमें कैसे होता है, लेंडर लेंड करता है थ्रू एन अप्रूव इंटरमीडिएटरी टू अ बोरोवर सिक्योरिटीज की लेंडिंग में, तो इस केस में टैक्स कौन पे करेगा। अब ये एंट्री आ गई बेटा 1 अक्टूबर 2019 के बाद से, ये एंट्री आई है 1 अक्टूबर 2019 से, और उसके बाद टैक्स पे करेगा भाई बोरोवर, बोरोवर टैक्स पे करेगा यहाँ पे रिवर्स चार्ज में। बोरोवर मतलब कौन, जिसने सिक्योरिटी बोरो करी है थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी, लेंडर मतलब कौन, जिसने यहाँ पे सिक्योरिटी लेंड करी है, जिसने डिपॉजिट करी है। ठीक है, सो लेंडर इज अ पर्सन हु डिपॉजिट द सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड इन हिज बिहाफ विद एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग स्कीम, लेंडिंग स्कीम के लिए उसने अपनी सिक्योरिटी लेंड की। तो सबसे पहले तो बात आती है बेटा, यहाँ देखते हैं क्लैरिफिकेशन इसमें, यहाँ पे पहले तो मैकेनिज्म दिया हुआ है, लेंडर लेंड्स टू अ बोरोअर थ्रू एन अप्रूव इंटरमीडिएटरी टू अ बोरोअर अंडर एन एग्रीमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड विद द कंडीशन दैट बोरोअर विल रिटर्न द इक्विवेलेंट सिक्योरिटी ऑफ द सेम टाइम और क्लास एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स अक्रूड ऑन द सिक्योरिटी। तो वो सिक्योरिटी को लेंडर इसी शर्त पे बोरोवर को देता है कि भाई जब यहाँ पे आपका लेंडिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा सिक्योरिटी मुझे वापस करिए विद अलॉन्ग विद द लेंडिंग बेनिफिट्स। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं है लेंडर और बोरोवर के बीच में, वो अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी के थ्रू काम कर रहे हैं, और लेंडर को इस सब ट्रांजैक्शन में क्या मिलता है, एक लेंडिंग, द लेंडर अर्न्स अ लेंडिंग फीस फॉर लेंडिंग देयर सिक्योरिटी टू बोरोवर्स। ठीक है, अब ये लेंडिंग फीस की टैक्सेबिलिटी की बात होती है, क्या इसे जीएसटी लगेगा, हाँ जी भाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, जीएसटी बिल्कुल लगेगा। सो द लेंडिंग फीस चार्ज फ्रॉम बोरोवर ऑफ सिक्योरिटी हैज द कैरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन एंड द एक्टिविटी इज टैक्सेबल इन जीएसटी, शुरू से टैक्सेबल है 1/7/17 से, जिस दिन से जीएसटी आया तब से टैक्सेबल है। एक तो बात हुई लेंडिंग फीस की, अब दूसरी बात करते हैं कि भाई ये जो बोरो अप्रूव इंटरमीडिएटरी है फ्री में काम नहीं करता, इसको कुछ कमीशन फीस मिलता है, तो क्या ये जो कमीशन या फीस इसे मिलता है क्या ये टैक्सेबल है, हाँ जी ये भी टैक्सेबल है, क्यों नहीं टैक्सेबल है, अपार्ट फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज ऑफ इंटरमीडिएटरी फैसिलिटिंग लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर कमीशन और फीस आर टैक्सेबल सेपरेटली, सेपरेट ट्रांजैक्शन है, वो अपना जो भी कमीशन चार्ज कर रहा है उसमें भी लगेगा भाई, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी होगी। अब जो लेंडिंग फीस की बात हम कर रहे थे उसकी टैक्सेबिलिटी देखेंगे बेटा, ये एंट्री जैसे कि मैंने बताया कब से आई है बेटा, 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 के बाद आरसीएम में आई है, तो आरसीएम में टैक्स पे करना रहेगा। जब ये एंट्री आरसीएम में नहीं थी तो भी यहाँ पे ये बोला तो है कि भाई ये टैक्सेबल रहेगी सिंस 1/7/17, जब से जीएसटी आया, पर 1/7/17 से लेके 30/9/19 तक के, जब तक के जीएसटी यहाँ पे आरसीएम नहीं आया था इस पे, तब तक इस पे टैक्स कौन पे करेगा, तो भैया आरसीएम में नहीं है तो सीधी बात है सप्लायर ऑफ सर्विस पे करेगा यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में, तो यहाँ पे लेंडर पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। कौन से पीरियड की बात कर रही हूं मैं, 1/7/17 से 30/9/19 तक के, फर्स्ट यहाँ पे टेबल के फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ, तो उस पीरियड में जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में लेंडर पे करेगा। ओके, और कौन सा जीएसटी पे करेगा बेटा, हमेशा आईजीएसटी पे करेगा, और वो रिक्वेस्ट कर सकता है, रिक्वेस्ट टू बी मेड बाय लेंडर टू सेबी टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट बोरोवर फॉर डिस्चार्जिंग जीएसटी। तो ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन बाद में आया, तो अब उसके बाद लोगों ने टैक्स पे करना शुरू किया, लोगों को पहले डाउट था इस पे टैक्स पे करना है नहीं करना है, तो इसके लिए किसी ने पे नहीं किया था, तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं
पूरा टैक्स लगेगा, शुरू से लगेगा, लेंडर पे करेगा, आईजीएसटी लगेगा फॉर द पीरियड 1/7/17 टू 30/9/19 और सेबी को जो भी इंफॉर्मेशन लगेगी वो सेबी डिस्क्लोज करेगी। अब 1 अक्टूबर 19 से भाई आरसीएम आया और ये क्लैरिफिकेशन आया, दोनों चीजें आई, एक आरसीएम की बेटे ये एंट्री नंबर 16 आई और एक क्लैरिफिकेशन आया। तो 1 अक्टूबर 19 के बाद क्या पोजीशन बैठती है, जीएसटी लगेगा, हाँ जी लगेगा, आरसीएम टैक्स कौन पे करेगा, बोरोअर ऑफ सिक्योरिटी शेल बी लाइबल टू डिस्चार्ज जीएसटी अंडर आरसीएम, आरसीएम में वो टैक्स पे करेगा और जीएसटी कौन सा रहेगा बेटा, रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी नीड टू बी पे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे बेटा ये जो दो है, ये दो एंट्रीज, एंट्री नंबर 15 और 16 यहाँ पे जो है ये नवंबर 2020 के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है। 15 तो पहले भी आई थी बट उसमें फिर फर्दर अमेंडमेंट होकर नवंबर 2020 की जो पोजीशन है वो हमने पढ़ा, एंड देन 16 में भी यहाँ पे 16 जो है ये भी मई 2020 के टाइम पे आई थी। ठीक है, तो दीज टू एंट्रीज आर द मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट्स। देन ये सर्विसेज हमारी सारी हमने सीजीएसटी के इसमें जो है वो पढ़ी, और सिमिलरली जो ये इंटरस्टेट पे भी अप्लाई होती है, इंटरस्टेट पे भी अप्लाई होती है। इंटर स्टेट के केस में दो स्पेसिफिक सर्विसेज है इंपोर्ट से रिलेटेड, वो हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ बेसिक पढ़ेंगे, बाकी का पूरा पोर्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैप्टर में। तो सिर्फ दो एंट्रीज है हम यहाँ पढ़ेंगे। सप्लायर कौन है, एनी पर्सन, या आईजीएसटी पर्पस के लिए, एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब दुबई में कोई लोकेटेड है एग्जांपल के लिए, एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जो दुबई में है। रिसिपिएंट कौन है, एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, सर्विस की बात हो रही गुड्स की नहीं। तो मतलब यहाँ पे अगर मैंने किसी से बाहर कोई बंदा है उससे सर्विस लिए, बाहर कोई बंदा है मैंने उससे सर्विस लिए, तो जो पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी क्या उसकी लाइबिलिटी आएगी यहाँ पे टैक्स पे करने की आरसीएम पे, अदर देन एनटीओआर। एनटीओआर मतलब क्या होता है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। ये हम डिटेल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें गवर्नमेंट है, फिर उसमें इंडिविजुअल है जिसने अदर देन बिजनेस के लिए सर्विस ली तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बट यहाँ पे किस ट्रांजैक्शन को कवर किया जा रहा है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बिजनेस कर रही हूँ, मैंने कोई सर्विस ली किसी से बाहर से, तो क्या वो रिवर्स चार्ज में आएगी, क्या वो टैक्सेबल होगी, टैक्स कौन पे करेगा, तो ऑब्वियसली इंडिया में जो है वो टैक्स पे करेगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे लाइबिलिटी इसीलिए शिफ्ट करी टैक्स पे करने वाले की रिसिपिएंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ बाहर वाले को जाके पकड़ेगी। तो अगर कोई सर्विस आपने इंडिया के बाहर से किसी से ली है तो भैया आप टैक्स पे कर दो रिवर्स चार्ज में, खत्म बात। एनटीओआर को नहीं बोला है, क्यों, क्योंकि एनटीओआर के लिए गवर्नमेंट ने अलग से एग्जेम्पशन भी लेकर के आया है कि भाई एनटीओआर को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मैंने मेरे पर्सनल पर्पस के लिए और कुछ लिया है तो यहाँ पे आप इतना मत समझो, हम ओआईडीआर सर्विस और सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेक्चर है वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आपको इतना याद रखना है कि अगर मैंने कोई सर्विस बाहर से ली है तो टैक्स कौन पे करेगा, जिसने यहाँ पे सर्विस ली है वो जो पर्सन लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में उसको टैक्स पे करना है। सेकेंड, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कस्टम स्टेशन इन इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल की सर्विस है, ली किसने है, एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, बाहर से किसी ने सर्विस दी है यहाँ पे, किसी को भी दे सकता है, पर टैक्स कौन पे कौन करेगा, टैक्स पे करेगा इंपोर्टर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, जो इंपोर्ट कर रहा है वो यहाँ पे टैक्स पे करेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन वेसल, इसका भी बहुत डिटेल डिस्कशन हो रहा है, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैप्टर में जाएंगे। सो बेटा हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर, आरसीएम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज ऑफ सो मेनी न्यू एंट्रीज विच हैज बीन एडेड, एंड वैसे भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो विल स्टॉप अवर डिस्कशन ओवर हियर, थैंक यू फॉर नाउ।